आज जो वृक्ष गंगा अभियान का ये पर्व हम लोग मना रहे हैं और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि इस पर्व को हर रोज हमको मनाना चाहिए, अपने जन्म दिवस पर, विवाह दिवस पर, बच्चों के जन्म, जब भी हमारे पास कोई पर्व आए उसकी स्मृति में एक वृक्ष लगा दीजिए। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुरेव महेश्वर, सभी हाथ जोड़ लें, परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत्मानि श्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमो सुते गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता। 2400 दंपतियों का पंजीयन जिले भर में तथा आसपास के जिलों में किया गया, जो अभी तक जारी है और जारी रहेगा, क्योंकि यहां पर 2400 त्रिवेणी तो आज ही लग जाएगी, इसके बाद यह इस पहाड़ी को हरा भरा करने के लिए जैव विविधता के अंतर्गत सभी प्रकार के औषधि वृक्ष, फलदार वृक्ष भी यहाँ पर लगाए जाएंगे, ताकि जो हमारा औषधि आयुर्वेद जो धीरे धीरे हर व्यक्ति के मन से उतरता जा रहा, उसको पुनः जागृत किया जाएगा, हमारा ऐसा लक्ष्य है। आज यह पवित्र कार्य चल रहा है, मैं इस मंच से घोषणा कर रहा हूँ कि जो सरोवर सामने दिख रहा है, इस सरोवर को हम आगे से गायत्री सरोवर कहेंगे, माँ गायत्री के नाम से सरोवर रहेगा। तो हमको पूज्य गुरुदेव की वंदनीय माता जी का स्मरण और इस ये पूरा तीर्थ एक गायत्री तीर्थ कराएगा। जय भारत, जय हिंद। सूर्य नारायण देवता की वंदना करें, अग्नि स्थापन हो चुका है, कुंडों को प्रज्वलित कर लें, कुंड जला दीजिए, अग्नि जला दीजिए, ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मूलमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जाय इदं मम। ॐ भूर्भुवः स्वः ह्रीं श्रीं क्लीं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्। ॐ भास्राय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं भास्राय इदं नमः। वरुण गायत्री मन्त्र्याहूति भयत्र मे संतुलित वर्षा हो, हमारे सभी किसान भाई बहन तुष्ट और पुष्ट हो, इस श्रद्धा के साथ यह आहुति वरुण गायत्री की समर्पित करें। आइए एक ऋषि को संपन्न करें, प्रखर प्रज्ञा और सजग श्रद्धा का ध्यान करते हुए मस्तिष्क में हमारे सदैव प्रखरता रहे, हृदय में सदैव सजगता रहे, इस भाव से यह ऋषि युग्म की आहुति समर्पित करें। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्री राम।
महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते चतुर्दया स्वाहा इदं महाशक्ते महापूर्णाहुति। अब हाथ में यदि आपके हम सामग्री बची है तो ले लें, अन्यथा थोड़ा सा चावल ले लें। आप पूर्णाहुति की आहुति, यह कार्य निश्चित रूप से पूर्णता तक पहुंचेगा, आपका जीवन भी पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त होगा। इस भाव के साथ यह आहुति समर्पित करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पुनादये परापतः पुनरापतः वक्मेव विद्रिणामः इत्थमो जग्दुं शतक्रतो स्वाहा।